जगदीश भाई ज्ञान में आने से पहले आर्य समाजी थे और आर्य समाजी लिटरेचर की सेवा बहुत करते हैं और यहाँ ज्ञान में आने के बाद भी सबसे ज्यादा किताबें किसने छपाई, किसने लिखी है? जगदीश भाई ने लिखी। जगदीश भाई ने ही बेसिक में जो भी अभी ज्ञान चल रहा है वो सारा इंटरप्रिटेशन उन्हीं का किया हुआ है। वो इंटरप्रिटेशन गलत किया या सही किया, उस इंटरप्रिटेशन से, उस व्याख्या से, उनके लिखे हुए शास्त्रों के आधार पर जिन ब्रह्मा कुमारों ने समझा, उन्होंने क्या भगवान बाप को पहचाना? पहचाने नहीं, नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में शास्त्रों को पढ़ते तो रहे लेकिन पहचाना किसी ने नहीं। क्या पूरी बात सुन लो, क्या गीता का भगवान प्रसिद्ध हुआ? हुआ नहीं? हुआ। गीता का भगवान फिर भी सारी दुनिया बेसिक वाले भी और एडवांस वालों में भी 50% से ज्यादा ऐसे होंगे जो अभी भी समझते होंगे गीता का भगवान कौन? श्री कृष्ण। और जो समझते भी हैं वो साबित नहीं कर सकते कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। दूसरी बात, जब एडवांस ज्ञान निकला, एडवांस ज्ञान निकलते ही बाबा के चारों चित्र उड़ा दिए, समझा? किसके डायरेक्शन पर? उन्हीं के डायरेक्शन पर। एक रमेश भाई जिन्होंने सैकड़ों चित्र निकाल दिए, जबकि मुरली में बोला माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए, तो रमेश भाई ने ढेर के ढेर चित्र किसकी मत पर बनाए? कुमार का दादी की मत पर बनाए। ऐसे ही ढेर के ढेर शास्त्र लिखे, वो भी माया की मत पर लिखे। मतलब ये हुआ कि जो भी इंटरप्रिटेशन बेसिक में दिया गया या ब्रह्मा कुमारियां जो भी अभी ज्ञान सुना रही हैं, उसके मुकाबले एडवांस में जो ज्ञान सुनाया जा रहा है वो बिल्कुल विपरीत दिशा में क्यों जा रहा है? दोनों प्रकार के ज्ञान का काट क्यों हो रहा है? इसका कारण है जगदीश भाई ने जितनी भी टीचर्स ब्रह्मा कुमारियां थी उनको बुला बुला करके एडवांस की बातों का काट करना सिखाया, और वो सारा काट झूठ है। एक एक बात उनकी जो सुनाई जाती है एडवांस के विरोध में, वो सारी बातें झूठी है, 100% झूठी है। ऐसा जो झूठा काम करेगा उसके दिमाग में ट्यूमर नहीं पड़ेगा, अकाले मौत नहीं होगी, वो सेवाधारी कहा जाएगा कि डिससर्विस करने वाला हुआ। वो बाप को प्रत्यक्ष करेगा कि बाप को गुम कर दिया, इसलिए आंख से आंसू आया शरीर छोड़ने के बाद।